ବିକଶିତ ଭାରତ ବିକଶିତ ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି କହିଲେ ଘାଟି ବାସିନ୍ଦାଙ୍କ 70 ବର୍ଷର ସ୍ୱପ୍ନ ହେବ ପୂରଣ। 32,000 କୋଟିର 220 ପ୍ରକଳ୍ପର କଲେ ଶିଳାନ୍ୟାସ ଓ ଲୋକାର୍ପଣ। ଦେଶକୁ 13,000 କୋଟିର 162 ପ୍ରକଳ୍ପ ଭେଟି ଓଡ଼ିଶାକୁ ମିଳିଲା 1700 କୋଟି ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରକଳ୍ପର ଉପହାର। ସମ୍ବଲପୁରରୁ ଭିଡ଼ିଓ କନଫରେନ୍ସିଂ ଯୋଗେ ଯୋଡ଼ି ହେଲେ କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ। ବର୍ଷ କେଇଟା ତଳେ ଯେଉଁ ଘାଟିରେ ଥିଲା ଆତଙ୍କବାଦର ରାଜୁତି, ଆଜି ସେହି ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରରେ ବିକାଶର ସାମ୍ରାଜ୍ୟ। ମୋଦି ସରକାରଙ୍କ ଦୃଢ଼ ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତି ଓ ଉଦ୍ୟମ ବଳରେ ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରରେ ଲେଖାଯାଉଛି ନୂଆ ଇତିହାସ। ବିକାଶର ଧାରାକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ବିକଶିତ ଭାରତ ବିକଶିତ ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରରେ 32,000 କୋଟି ମୂଲ୍ୟର 220 ପ୍ରକଳ୍ପର ଶିଳାନ୍ୟାସ ଓ ଲୋକାର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି। ଜନସମାବେଶକୁ ସମ୍ବୋଧନ କରି କହିଛନ୍ତି, ବିକାଶ ପଥରେ ଆଗଉଛି ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର। 70 ବର୍ଷ ଧରି ଘାଟିର ଲୋକେ ଦେଖିଥିବା ସ୍ୱପ୍ନ ପୂରଣ ହେବ, ଏହା ମୋଦି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି। ବିକଶିତ ଭାରତ ସଂକଳ୍ପ ଯାତ୍ରା କେ ଦୌରାନ ବି ଦେଖା ହେ ଜବ ମୋଦି କି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ବାଲି ଗାଡି ଗାଁ ଗାଁ ତକ ପହଞ୍ଚ ରହି ଥି ତୋ ଆପ ଲୋଗୋନେ ଉସକା ଶାନଦାର ସ୍ୱାଗତ କିୟା। ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର କେ ଇତିହାସ ମେ ये पहली बार हुआ जब कोई सरकार उनके दरवाजे पर आई है। कोई भी सरकार की योजना के लाभ, कोई भी जो उसका हकदार है वो छूटेगा नहीं, और यही तो मोदी की गारंटी है, यही तो कमल का कमाल है। जम्मू काश्मीर को मिलती मोदी उपहार मध्य रही जम्मू एम सह तीन टी आईएम एथसह बनिहाल खारी संबर संगलदान सेक्शन रो नुआ रेल लाइन रो लोकार्पण एवं एही सेक्शन अधीन आसुथिबा संगलदान बारामुला स्टेशन मध्य जम्मू काश्मीर रो प्रथम इलेक्ट्रिक रेल चलाचल पताका देखाई शुभारंभ करिछंती प्रधानमंत्री। विभिन्न केन्द्रीय योजना रे उपकृत हिताधिकारी सीधा सड़क कथा होइछंती पीएम मोदी। जम्मू कश्मीर के कुछ लोगों से मुझे जो बात करने का मौका मिला, जिस उमंग से, जिस उत्साह से, जिस क्लैरिटी के साथ वो सारे अपनी बातें बता रहे थे, देश में जो भी व्यक्ति उनकी बातें सुनता होगा ना, उसका हौसला बुलंद हो जाता होगा, उसका विश्वास अमर हो जाता होगा, और उसको लगता होगा कि गारंटी का मतलब क्या होता है। जम्मू देशर 83 स्थान को 13,000 कोटी प्रकल्प भेटी देछंती प्रधानमंत्री। केंद्र शिक्षा मंत्रालय अधीन रे देशर विभिन्न स्थान रे 10 आईआईटी 3 आईएम 12 केंद्रीय विश्वविद्यालय 25 केंद्रीय विद्यालय 13 नवोदय विद्यालय और 2 कौशल विद्यालय उद्घाटन शिलान्यास और लोकार्पण करिछंती पीएम मोदी। प्रधानमंत्री एक कार्यक्रम में संबलपुर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जोगे शामिल होते केंद्र शिक्षा मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान। संबलपुर गोशाला स्थित जवाहर नवोदय विद्यालय 4,50,00,000 टंका अटकल अत्याधुनिक सभागृह शिलान्यास होछि। सबु कार्यक्रम मूल मंत्र है भारत को 2047 सुधा विकसित करवा, विकसित करार नेतृत्व आज जो पे स्कूल अच्छा कलेज 22-23 वर्ष बयस से माने आगामी 20-25 वर्ष रे ही देशर सर्वांगीन विकास पाई सैनिक बनिबे तैयारी करिबा, एटा समाज दायित्व। नरेंद्र मोदी या पाई बड़ दायित्व नहीं आह्वान भी देशा को मिलता। अन्य प्रकल्प मध्य रही प्राय 1583 कोटी व्ययर ब्रह्मपुर में निर्मित इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च बाइजर स्थायी कैंपस। यह लोकार्पण कार्यक्रम में सामिल होती केन्द्र आदिवासी व्यापार मंत्री विश्वेश्वर टुडु। सेपरी कोरापुट स्थित ओडिशा केन्द्रीय विश्वविद्यालय 129 कोटी टंका मूल्य प्रशासनिक भवन सह अन्य प्रकल्प शिलान्यास होती। सुवर्णपुर में 16 कोटी टंका व्ययर निर्मित केन्द्रीय विद्यालय नूतन कोठार भी लोकार्पण हो। देखु निश्चित भाव यहाद्वारा पाने लाभान्वित हे एवं धीरे धीरे जापर जे बास्तव में आइजोर ये पाठ पढ़ले पाने कौन आग को बढ़ी पारे फ्यूचर कौन से जापारे और निश्चित भाव सरकार जो लक्ष्य अच्छे लक्ष्य फुलफिल। गोपाकर पुओ जोगेश्वर कृष्ण होगले, साधारण दशरथर पुओ वशिष्ठ आश्रम शिक्षा अर्जन कले, मर्यादा पुरुषोत्तम राम होगले, ठीक से ही सेंट्रल यूनिवर्सिटी ओडिशा पाठ पढ़ी
ଭଲ ମଣିଷ ହୁଅନ୍ତୁ, ଶ୍ରେଷ୍ଠ ମଣିଷ ହୁଅନ୍ତୁ, ମା ମାଟିର ନାମ ଉପାର୍ଜନ କରନ୍ତୁ, ମା ବାପା ଅତିଥି ଅଭ୍ୟାଗତ ଗୁରୁଜନଙ୍କର ସେବା କରନ୍ତୁ, ତେରା ବୈଭବ ଅମର ରହେମା ବୋଲିକରି ଭାବନା ନେଇକରି ବଞ୍ଚନ୍ତୁ। 15,80,00,000 ଖର୍ଚ୍ଚରେ ଏଇ ବିଲ୍ଡିଂ ଆଉ ଫେସିଲିଟି ହେଇଛି କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବିଦ୍ୟାଳୟ ସୋନପୁରରେ 10 ଏକର ଜମି ଉପରେ, ଆଉ ଷ୍ଟେଟ୍ ଅଫ୍ ଦି ଆର୍ଟ ଫେସିଲିଟିଜ୍ ବି ଆଭେଲେବଲ୍, ମଡର୍ନ ଲ୍ୟାବ୍ସ, ଡିଜିଟାଲ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ, ସବୁ ଜିନିଷ ଉପରେ ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ କରାଯାଇଛି। ଆଉ ଆମକୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଜୀଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବାକେ ପଡ଼ବା ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଗିଫ୍ଟ ଯେନ୍ଟା ସୋନପୁର ଜିଲ୍ଲା ପାଇଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଆର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। जदि आपन को आम वीडियो टी भल लगा तबे आम चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु नहीं।